नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूटेड लाइफ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग के J7 प्राइम में नूगट के अपडेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सैमसंग के J7 प्राइम में नूगट का अपडेट आ गया है, ऑफिशियली अपडेट आ गया है। अगर अभी तक आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेट कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें नूगट का अपडेट कर लिया है। आप देख सकते हैं, मैंने इसमें नूगट का अपडेट कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। दोस्तों, इसमें नूगट का अपडेट होने से बहुत सारे बग्स फिक्स हो गए हैं, जैसे कि पहले फिंगरप्रिंट लॉक एक बार में ओपन नहीं होता था। अब देखिए, एक बार अगर हम क्लिक करते हैं तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता है, जैसा कि आप एक बार फिर से देखें। दोस्तों, इस तरह इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर जुड़ गए जो कि पहले नहीं थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर एक मीनू का आइकन बार था, जिसे क्लिक करते ही मीनू ओपन होता था। लेकिन दोस्तों, अब आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आपको इसे स्लाइड करना है, किसी ऊपर कीजिए या नीचे, ये आपके सामने तैयार हो जाएगा आकर, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो है कि आप देख सकते हैं, मीनू बार को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। चाहे आप यहाँ पर क्लिक करें, कहीं पर भी क्लिक करें, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों, पहले हमें जैसे किसी भी आइकन को स्क्रीन पर लाना होता था तो हम उसे एक एक करके लाते थे, लेकिन अब आपको इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अब आप एक साथ मल्टीपल 5-6 जितना भी लाना चाहते हैं इसे आप यहाँ पर ला सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे ला दिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक साथ एक से ज्यादा एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ सिंपली सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल करके आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला है नोटिफिकेशन बार, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो स्लाइड होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है, और यहाँ और भी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसको और भी, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे नोटिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन कम हो तो यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करके इसे आप बदल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे बदल दिया, और भी आप इसे बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसकी सेटिंग में चलते हैं, और भी बहुत सारे फीचर हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। चलते हैं हम लोग सेटिंग में। दोस्तों, कनेक्शन है, कनेक्शन में तो पहले जैसा ही सेटिंग है, इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। और साउंड में दोस्तों एक बदलाव जो हुआ है वो है साउंड क्वालिटी का। जैसे कि हम कभी गाने सुनते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, अगर आप चाहते हैं MP3 में आपके आवाज कुछ जैसे कि हम चाहते हैं इसमें बेस बढ़ जाए, DJ जैसा आवाज आए, तो यहाँ से आप इसे आसानी से कर पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगला ऑप्शन है नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस नोटिफिकेशन में भी ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। सिंपली है कि आप जो यहाँ पर किसका नोटिफिकेशन, आप इस नोटिफिकेशन बार में जाते हैं उसे ऑन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे YouTube का नोटिफिकेशन हमारे नोटिफिकेशन बार में नहीं आए तो आप यहाँ से सिंपली इसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अगला ऑप्शन है डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले में एक ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये जो साइज है इसकी साइज बढ़ाना या घटाना, तो आप इसे सिंपली यहां से स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसे स्मॉल ही रहने देता हूं, और फॉन्ट को भी आप बढ़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सिंपली जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से फॉन्ट बदलने का ऑप्शन तो ये पहले भी था। दोस्तों, एक और ऑप्शन है इसमें फ्रेम का। दोस्तों, आइकन फ्रेम जो कि बहुत ही अच्छा है इसमें, जैसे कि आइकन को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों से बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन हैं, मैं सबको कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको मैन मैन कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगला ऑप्शन है वॉलपेपर एंड थीम्स का। दोस्तों, इसमें वॉलपेपर्स इस बार बहुत ही खूबसूरत सब दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर थीम्स भी हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं जिसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे थीम्स और वॉलपेपर हैं जो कि फ्री हैं, लेकिन कुछ पेड भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं एडवांस फीचर में। एडवांस फीचर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो चलिए एक एक करके सारे फीचर्स को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फीचर है कि आप एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको मैं एक नमूना दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने फेसबुक को यहाँ पर लॉक किया हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा ये ओपन हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट को टच करते हैं तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हम कैसे लगाएंगे बिना किसी एप्लीकेशन के? दोस्तों, ये आप लगा सकते हैं। सैमसंग इस बार थोड़ा अच्छा किया है कि ये खुद का एप्लीकेशन इसमें प्री इंस्टॉल्ड कर दिया है, तो चलिए बता देता हूँ वो कैसे करेंगे। दोस्तों, सिंपली यहाँ पर जो है लॉक एंड मास्क ऐप, यहाँ पर चले जाएंगे। मास्क मतलब हुआ दोस्तों कि आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं, तो सिंपली मैं इसके लॉक को ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉक है, मैं इसमें और भी एक दो एप्लीकेशन लॉक कर सकता हूँ, यहाँ से एड कर देंगे। यहाँ से आप जिस एप्लीकेशन को चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ व्हाट्सअप और यूट्यूब को लॉक करना, तो यहाँ से आसानी से डन हो गया। और दोस्तों, अब जब आपने व्हाट्सअप को जब भी ओपन करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो सिंपली मैं इसे फिंगरप्रिंट को टच करता हूँ तो ये लॉक ओपन हो जाता है। दोस्तों, अब है इसमें वन हैंड मोड का ऑप्शन, जो कि दोस्तों पहले नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह फोन 5.5 इंच का है और एक हाथ से फोन चलाने में बहुत ही दिक्कत आती है, जिसको ऑन करके आप आसानी से अपने एक हाथ से फोन को चला सकते हैं। जैसे कि एक हाथ से आप इसको ऊपर लाने,
थोड़ी दिक्कत होती है, फोन हाथ से गिर भी सकता है, इसके लिए वन हैंड दिया गया। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं, आप जो सेटिंग लगाना चाहें, बटन सेटिंग लगाना चाहेंगे तो आपको इसे 3 टाइम क्लिक करना होगा, लेकिन जेस्चर अगर लगाते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी साइड से इसे ओपन ऊपर करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, और इधर इधर करना चाहते इधर, अगर इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दें, साइड में उंगली को ले गया और यहाँ से इसे स्लाइड कर देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये आ गया आराम से। दोस्तों एडवांस फीचर में ही एक और ऑप्शन है क्विक कैमरा ओपन का। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो आपका फोन किसी भी मोड में रहे या फिर लॉक स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन ना रहे, आप इस होम बटन को डबल टैप करते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। जैसे कि मैं अभी इसे डबल टैप जल्दी जल्दी करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि कैमरा ओपन हो चुका है। हाय दोस्तों, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, मैं अभी इसे बैक कर देता हूं और कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैं इसका अभी लॉक खोल देता हूं और यहां पर भी आप इसे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप इसे आसानी से ओपन कर पाएंगे। दोस्तों एडवांस फीचर में जो अगला ऑप्शन है वो है मल्टी विंडो का। दोस्तों ये फीचर बहुत ही खूबसूरत है और ये दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका जो ये फीचर है ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं आपको मल्टी विंडो इसमें वर्क करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस पर, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं अभी 2 विंडो चलाना चाहता हूँ, तो इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जिस किसी को भी चलाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा 2-2 आइकन दिखाया जा रहा है, आप इसे आसानी से देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैं व्हाट्सअप को चलाना चाहता हूँ तो इसे क्लिक करता हूँ और मैं इसे लॉक है तो इसके लॉक को ओपन कर देता हूँ फिंगरप्रिंट से। तो दोस्तों एक ऊपर ओपन हो गया है, मैं दूसरा इस सेटिंग को नीचे कर सकते हैं। आप मन हो तो एक आप YouTube चला सकते हैं, MX प्लेयर चला सकते हैं, आप इस तरह आसानी से चला सकते हैं। आप इस फोन को ऐसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन का मजा आराम से ले सकते हैं। दोस्तों ये जो फीचर है ये तो और भी ज्यादा बेहतरीन है, मल्टी विंडो का ही है, लेकिन ये दूसरा फीचर अभी तक मुझे लगता है किसी और फोन में तो मैंने नहीं देखा है। दोस्तों जैसे ही आप इस कोने से साइड तक लेके आएंगे एक विंडो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब चाहे आप यहाँ पर कुछ भी ओपन करना तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, कैलकुलेटर को भी हम साइड कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैलकुलेटर भी साइड हो गया। इस तरह से आप कुछ भी, जैसे कि मैं कैमरा को चाहता हूँ तो कैमरा को भी हम साइड कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चलिए 3 विंडो हो गया, और भी विंडो में यहाँ पर ओपन करना चाहूँगा तो चलिए पहले मैं इसके साइड कर देता हूँ और यहाँ से हम ओपन करते हैं, और दोस्तों यहाँ से मैं ओपन करता हूँ व्हाट्सअप को। तो दोस्तों ये व्हाट्सअप भी ओपन हो गया, यहाँ से स्लाइड करके आप इसे आसानी से चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमाइज, सारे को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये दोस्तों ये फीचर मुझे बहुत ही पसंद आया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे फीचर्स को मैंने यहाँ पर मिनिमाइज किया हुआ है। इसे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये सारे यहाँ पर शो होते हैं, जिसको भी आप चलाना चाहें फिर से जिस विंडो को आप उसे खोल सकते हैं। जैसे ये देखिए खुल के तैयार है, आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं या तो इसे मिनिमाइज कर लें, और दोस्तों अगर आप चाहें कैमरा को फिर से ओपन कर लें तो ओपन कर सकते हैं, अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों J7 प्राइम में जो नुगट अपडेट हुआ है इसमें एक और अपडेट दिया है गूगल असिस्टेंट का। जैसे कि आप इसे बीच वाले होम की को प्रेस कर रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया। जैसे हम इसे पूछते हैं व्हाट इज द टाइम, द टाइम इज 7:52 PM। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे जो भी सवाल करेंगे ये जवाब देगा। गूगल असिस्टेंट बहुत ही बेहतर फीचर है, आप इसे और भी तरह तरह के पूछ सकते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसी तरह से आप गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं, अपने कामों में उपयोग ला सकते हैं। और दोस्तों इसका अगला जो फीचर है वो है रीसेंट ऐप को आप लॉक कैसे करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन बहुत सारे चल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फेसबुक हमेशा ओपन करते रहता हूँ तो अगर मैं इसे लॉक नहीं करता हूँ तो जितनी बार मैं इसे क्लोज ऑल करता हूँ ये भी क्लोज हो जाता है। तो बार बार जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये हमारे रैम पर असर करता है, जैसा कि आपको ये बात पता होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रीसेंट ऐप में अगर मैं इसे क्लोज ऑल करूँ तो ये फेसबुक हमारा क्लोज ना हो, तो इसे आप यहां से लॉक कर सकते हैं, यहां से लॉक ऐप्स, और यहां से इसे आप लॉक करके यहां डन कर लें। तो जितनी बार भी आप इसे क्लोज करेंगे, ये देखिए यहां पर पिन हो चुका है, इसे आप ये रिमूव नहीं होगा। दोस्तों इसका अगला जो एक फीचर है डुअल ऐप बनाने का। जैसे कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें 2 व्हाट्सएप चलाऊं तो इसके लिए आपको दोस्तों पैरेलल स्पेस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस इस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल सेकंड एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन भी आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर एक व्हाट्सएप है और एक और व्हाट्सएप हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप मैसेंजर भी 2 बना सकते हैं, फेसबुक भी 2 बना सकते हैं, इस तरह से आप यहां पर आसानी से 2 एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सभी एप्लीकेशन को आप 2 बार नहीं बना सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन को ही बना सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर।
दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है पैनिक बटन का, जैसे कि आप कहीं किसी से मदद मांगना चाहते हैं और आपने उसका नंबर इसमें ऐड कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एडवांस फीचर में यहाँ पर नीचे है पैनिक मोड का, मैंने इसमें जैसे कि नंबर सेव किया हुआ है एक, तो जैसे ही मैं इसे पावर बटन को 3 बार टैप करूंगा, चाहे ये किसी भी मोड में रहे, जैसे ये लॉक स्क्रीन पर है, मोड कर दूंगा, तो एक मैसेज जिसके नाम से मैंने सेव किया उसे एक मैसेज चला जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने ही इसे हम 3 बार टैप करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये इमरजेंसी कॉल पे नंबर भी लग गया और हमारा जो ये मैसेज गया होगा, मैसेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, मुझे ये मैसेज आ चुका है। मैं ये मेरा फोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन का एक लिंक है, शायद आपको दिख रहा हो, ये ब्लर हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लोकेशन का लिंक है, मुझे ये मैसेज आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसे ब्राउज करता हूं, तो ये लोकेशन बता देगा इस फोन का कि इस फोन से आपको ये मदद मांग रहा है, इस लोकेशन पर है। तो इसका आप सिंपली यहां पर इसे इसकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो अगला फीचर है वो है डिवाइस मेंटेनेंस का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फीचर दिया गया है, ये बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि हमारे और भी फोन में दिया जाता है एंटीवायरस, उसी तरह का ये है, जैसे कि आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि चाहते हैं कि स्टोरेज को यहाँ पर क्लीन करने, तो यहाँ से क्लीन कर सकते हैं आप, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट फीचर है कैमरे से। तो दोस्तों जैसा कि आप देखे होंगे, आपने मैसेंजर में या फिर स्नैपचैट में इस तरह के आपको फीचर्स दिए जाते थे, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको कैमरे में दिया जाएगा। बहुत सारे फीचर हैं, आप जिसको यूज करना चाहें यहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ से सिंपली आप इसे यहाँ पर फोटो भी ले सकते हैं। दोस्तों कैमरे में एक दो फीचर और भी दिए गए हैं, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों कैमरे में तो यहाँ पर एक दो और फीचर जो दिए गए हैं वो है यहाँ पर जूमिंग का, जैसे कि मैं इसके रियर कैमरे को ओपन कर देता हूँ, और यहाँ से आप सिंपली इसे जब इसे करेंगे तो यहाँ से आप इसे जूम कर पाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैंने देखा तो जूम इसका बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन फोटो फटता है, लेकिन थोड़ा ये बेहतर हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसके जूम को बढ़ाकर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके जूम कर दिया, तो चलिए मैं इसे थोड़ा आपके करीब ले जाकर जूम करता हूँ। अभी ये सबसे लो पर है, तो चलिए मैं आपके सामने इसे जूम कर देता हूं। तो ये देखिए, ये अभी इसकी जूमिंग पावर देखते हैं। चलिए इसे मैं इसे जूम कर देता हूं, और जूम और जूम। तो ये देख सकते हैं लगभग अभी आपको दिख रहा होगा, ये साफ साफ दिख रहा है, ये फोटो फटता नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहां से फिर आप इसे खींच सकते हैं। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके दोस्त के पास J7 प्राइम है या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के पास है तो उसको यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो जान सकें कि जब मैं इसे अपडेट करता हूँ तो हमें क्या क्या नए नए फीचर मिलते हैं। दोस्तों इस बार आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक नहीं आता है, व्यूज हमें आ जाते हैं 100, लेकिन लाइक 5-10 आते हैं। मैं चाहता हूँ व्यूज के कम से कम 50% तो लाइक आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।